धनबाद में 52 वर्षीय अभिजीत गांगुली नाम के एक पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी की मौत वज्रपात के कारण हो गई। वे अगले सुबह बिरसा मुंडा स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ है। आनन फानन में प्रैक्टिस कर रहे अन्य खिलाड़ी अपनी स्कूटी से उन्हें अशरफी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें PMCH रेफर कर दिया। PMCH के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिजीत गांगुली बिरसा मुंडा स्थित स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे थे। सभी खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, इस दौरान अचानक जोर से बिजली कड़की। प्रैक्टिस कर रहे अन्य खिलाड़ियों की नज़र गांगुली पर पड़ी, वे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी संजय हेब्रम ने अपनी स्कूटी पर बैठाया और एक खिलाड़ी की मदद से उन्हें अशरफी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने PMCH रेफर कर दिया। PMCH लाने के बाद डॉक्टरों ने पहले ECG किया, फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिजीत गांगुली कई राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा मनवा चुके हैं। वे पॉलिटेक्निक स्थित VIP कॉलोनी में रहते थे। रेलवे विभाग में फिलहाल वे OS के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी भी रेलवे में फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुई थी। उनकी मौत के बाद से पूरे कोयलांचल में शोक की लहर है। घटना इस सुबह जो हम लोग सुबह प्रैक्टिस में थे, तो वार्म अप के लिए हम लोग वार्म अप कर रहे थे सर, बीच ग्राउंड में खड़े थे और हम लोग वार्म अप के लिए मूवमेंट कर रहे थे। अचानक से एक आवाज़ हुआ और हम लोग सब ज़मीन में थे। फिर जब हम लोग रिकवरी करके उठे हैं, तो हम लोग तो रिकवरी कर गए थे लेकिन सर ज़मीन पर ही पड़े हुए थे। फिर उसको लेके हम लोग तुरंत अशरफी गए, फिर वहाँ इमरजेंसी वार्ड में देखा और तुरंत रेफर किया PMCH के लिए। तो हम लोग वहाँ एम्बुलेंस का खोज किए, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं होने के कारण हम लोग स्कूटी में उनको यहाँ ले आए। वहीं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है MCO मोड़ के पास, शामिल हम लोग 6 लड़का और 2 लड़की थे। अच्छा, तो ये हम लोग अचानक से आवाज़ बिजली कड़कने की आवाज़ हुई, तो हम लोग को लगा ही है कि ये थंडर है, तो उसके बाद तुरंत हम लोग हॉस्पिटल चले गए। तो जब थंडरिंग हुआ था तो क्या सर गिर पड़े थे? जी हाँ, गिर पड़े थे सर, अकेले नहीं हम लोग सारे गिर पड़े थे। अच्छा, फिर हम लोग रिकवरी हो गए। अच्छा, लेकिन सर को ना उठता देख के हम लोग सर के पास दौड़े सर, उनको तुरंत स्कूटी में लेके हम लोग तुरंत अस्पताल गए। अच्छा, तो हॉस्पिटल आने के बाद क्या इन लोग कुछ बताएं? हॉस्पिटल आने के बाद इन लोग ECG हुआ और डेथ क्लेम किया।